मम्मी जी मायके की बहुत याद आ रही है, सोच रही कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। नहीं बहू, अभी मत जा मायके। क्यों मम्मी जी, मेरा बहुत मन कर रहा है। बात तो सही है। ऐसे ही मायके की याद आती रहेगी तो इस घर को कैसे अपनाएगी तू? तुझे याद रखना चाहिए कभी तेरा घर है, ऐसे बार बार मायके जाएगी तो इस घर को कभी नहीं अपना पाएगी। बड़ी अच्छी बात। तो माँ जी फिर मुझे क्या करना चाहिए बताओ? बहू बस साल में एक बार मायके जाया कर, और आगे चल कर बहू दो साल में एक बार मायके जाएगा। ये क्या है? तो तेरे को मायके का मोह छूटेगा और यहाँ का मोह बढ़ेगा। ये क्या बात अच्छा? करता है यार? तो क्या माँ जी हर लड़की को ऐसा करना चाहिए? और क्या बहू, हर लड़की को ऐसा करना चाहिए, ससुराल तभी तो अपनाओगी। सही कह रहे हो माँ जी। एक मिनट माँ जी। दीदी सुन लिया आपने सारी बात, अब आप अगले साल आना। बहू ये कौन था फोन पर? मम्मी जी वो पिंकी दीदी थी, वो बेचारी आने का बोल रही थी, मगर अब ज्ञान मिल गया ना उनको तो अब उनको समझ आ गई, अब वो भी बार बार मायके नहीं आएगी। बहू एक बात कान खोल के सुन ले और अच्छी तरह अपने भेजे में बैठा ले। इस घर में जितना सामान है वो सब मेरा है, रुपए चांदी सोना गहना सब मेरा है। अच्छा समझ आ गए ना, इस घर की मैं मालकिन हूँ और मैं ही इसकी मालकिन रहूंगी। ठीक है मम्मी जी। क्या जुलुम है। A few moments later. बहू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू जल्दी चल, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ, घर में चोर घुस गया बहू, जल्दी कर, जल्दी कर। मगर मैं किस लिए चलूँ मम्मी? ये घर आपका, इस घर में सोना चांदी गहना जेवर सब आपका, तो फिर मैं क्यों उठूँ? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? पर मैं इस घर की बहू हूँ ना, मुझे तो उठना पड़ेगा, चोर को भगाना पड़ेगा। घर मेरा नहीं तो क्या हुआ, इस घर की बहू हूँ मैं भगाती हूँ। चलो मम्मी चलो। लेकिन एक सेकेंड, अरे बहू अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मम्मी जी तबीयत तो पहले से भी खराब हो गई। अच्छा? है दवा खाली थी? खाली तो नहीं थी, भरी हुई थी। अरे बहू मेरा मतलब है दवा पी ली थी। पी ली कहाँ थी मम्मी जी, दवा तो हरी थी। अरे बहू दवा को पी लिया था क्या? अरे मम्मी जी पी लिया तो मुझे हुआ है, दवा को थोड़े ना पी लिया हुआ है। अरे दवा को मुंह में रख लिया था क्या? मम्मी जी आपने तो दवा को फ्रिज में रखने के लिए कहा था। सारे धोखेबाजन पे बहुत गुस्सा आती, वादा करके मुकर जाते हैं, ऐसा वादा करा था बस भूल जाते तोड़ते हैं। का होएगा महारानी? तुम्हें का मतलब, हमसे ना बोलो, हमारा दिमाग खराब है। अरे बता दो, शायद हम ठीक कर दे। गुस्सा तो हमें बिग बॉस पे है, बुलाना हमें था, बुला लिया अदनान को। वो चिलगोजा कुछ जानता भी है, कुछ खेलना भी जानता है, हमें बुलाते पूरा चीर फाड़ डालते, पूरा बिग बॉस हिला देते, पूरा बिग बॉस गाँव की मेरिया है, एक एक की ऐसी तैसी कर देते। तुम एकदम मजे की बात कह रही हो, अगर बिग बॉस वाले तुम्हें बुला देते, वाकई में तुम बिग बॉस की ऐसी तैसी कर देते। और क्या हल्के में ले रहे हो, टीआरपी चंद्रमा तक पहुंचा देते, नौ के नौ ग्रह हिल जाते पूरे कि कोई बिग बॉस में औरत आई है। गलती कर दी बिग बॉस ने तुम्हें ना बुलाए के। और का ससुर पूरा पैसा बर्बाद चलोगा, टिकट भी बुक कराई ली थी, कपड़े भी खरीद लेते, बैग तक पूरा का पूरा तैयार रखो है। हेलो, हाँ मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ दिल्ली, कहाँ मिलेंगी आप? इंडिया गेट में। ठीक है इंडिया गेट में मिलते हैं। कहाँ जाना है? कहीं कहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही इंडिया गेट बासमती राइस की बात कर रहा था। नहीं दिल्ली जाना है ना, 3 दिन बाद इंडिया गेट पे मिलना है। हेलो, हाँ जी मैं 3 दिन बाद इंडिया गेट में नहीं आ पाऊँगा। क्यों नहीं आ पाऊँगा? वो मैं बुलंद दरवाजे को पार नहीं कर सकता।